स्टूडेंट, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। आज फिर से आ रहा है एक और वीडियो के साथ। तो वीडियो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, शुरू से लेके अंत तक पूरी देखिएगा। तो जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था सिलोजिज्म यानी कि न्याय वाक्य है, इसके जो रूल और रेगुलेशन थे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे कि क्या क्या रूल इसमें लगते हैं, क्या क्या इसके नियम है सिलोजिज्म के। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक में SSC, पटवार, SI, ग्राम सेवक, पुलिस, दिल्ली पुलिस, DSSSB, GD और LDC और वुमेन सुपरवाइजर, इन सब एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आज और करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ रूल मैंने आपको बता दिए थे, एक रूल इसमें और है जो कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं निष्कर्ष का जो अपने जो तर्क नहीं दिया जा सकता उनकी मात्र संभावना प्रकट की जा सकती है, तर्क प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ए है जो वो बी से मिला, ए है जो वो बी से मिला, बी है वो सी से मिला। इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, जो ए है वो बी से मिला, ए है वो बी से मिला, बी है जो वो सी से मिला। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब इसमें तर्क भी दिया जा सकता है, वो किसका दिया जा सकता है, जैसे ए और बी का तर्क दिया जा सकता है, ए बी से मिला तो कन्फर्म है कि ए बी से मिला है, इसका तर्क जो है वो दिया जा सकता है। दूसरा बी और सी का तर्क दिया जा सकता है क्योंकि बी स्पष्ट है कि बी है जो वो सी से मिला है। तीसरा जो संभावना बनती है वो बनती है ए और सी की, इन दोनों की संभावना बनती है कि जो ए है वो सी से मिला है या नहीं मिला। तो इसका संभावना का जो डायग्राम है वो इस तरीके से भी बन सकता है, जैसे ए और बी मिले हैं और बी सी से तो मिला है लेकिन ए से भी मिला है या नहीं मिला, ए से मिला है या नहीं मिला कंफर्म नहीं है, हो सकता है मिला हो। अगर हो सकता है मिला हो तो इस तरीके से बनेगा, अगर नहीं मिला तो इस तरीके से बनेगा, लेकिन संभावना जरूर रहती है इसके अंदर कि हो सकता है मिला हो। तो ये एक रूल है इसका, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कथन दिए हुए हैं, दो वाले आपको मैंने दो कथन वाले करवा दिए थे, 3 कथन वाले 4 कथन वाले क्वेश्चन आगे और करते हैं। तो कथन या स्टेटमेंट जो आज की दी हुई है वो है सभी कुत्ते चूहे हैं, ये बन गया कुत्ते का डायग्राम। और सभी कुत्ते क्या है, चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे बन गए। सभी चूहे कौवे हैं, सभी चूहों को क्या बना दिया, कौवे बना दिया, सभी चूहे कौवे हो गए। सभी कौवे तोते हैं, लो जी सभी कौवों को तोते बना दिया, सभी कौवे तोते हैं। अब निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, सभी कुत्ते तोते हैं, ये रहा कुत्ते, सभी कुत्ते तोते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि तोते के अंदर ये कुत्ते का डायग्राम है तो सभी कुत्ते तोते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कुछ तोते कुत्ते हैं, कुछ तोते कुत्ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, कुछ जो तोते हैं क्योंकि कुत्ते हैं जो कुत्ते हैं वो तोते के डायग्राम के अंदर है, तो कुछ तोते हैं जो वो कुत्ते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। कुछ कौवे तोते हैं, ये है कौवे, कुछ कौवे तोते हैं, कुछ कौवे तोते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ कौवे हैं जो वो तोते हैं, कुछ या सभी दोनों ही तोते हैं। तो नेक्स्ट है सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे, ये चूहों का डायग्राम है, सही, सभी चूहे हैं वो कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते नहीं है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। तो
इसका जो आंसर आएगा वो निष्कर्ष एक दो और तीन, तीनों ही अनुसरण करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी धातुएं चांदी है, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन वो उठाए हैं। तो सभी धातुएं चांदी है, सभी धातुएं बना लिया जी, सभी धातुएं चांदी हो गई, सभी धातुएं चांदी है, सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी हीरे हो गए जी, और कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे है जो वो सोना हो गए जी, कुछ सोना संगमरमर है, कुछ जो सोना है वो संगमरमर है, संगमरमर है। तो निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, कुछ सोना धातुएं हैं, कुछ सोना जो है वो धातुएं हो ही नहीं सकती क्योंकि डायग्राम ही अलग रहेगा इसका, तो ये नहीं हो सकता, गलत है। सभी धातुएं हीरे हैं, सभी धातुएं हीरे, बिल्कुल हीरे के अंदर है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी धातु हीरे हैं। सभी चांदी संगमरमर है, सभी चांदी, चांदी ये रही, सभी चांदी संगमरमर है, नहीं हो सकती जी, बिल्कुल अलग है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो सभी सोना चांदी है, सभी सोना ये हो गया सोना, सभी सोना चांदी नहीं हो सकता, कुछ सोना चांदी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा निष्कर्ष दो है वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन है कुछ पैंट बोतलें हैं, ये हो गया जी पैंट, कुछ पैंट है बोतलें हैं, कुछ पैंट बोतलें हो गया जी, कुछ बोतलें ब्रांड है, कुछ बोतलें ब्रांड है, ये वो वाली बोतलें नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये दूसरी बोतलें हैं, कुछ बोतलें ब्रांड है, कुछ ब्रांड जो है कलर है, कुछ ब्रांड जो हो गया वो कलर हो गया, और सभी कलर इरेजर है, सभी जो कलर है वो इरेजर हो गया, सभी कलर है जो इरेजर हो गया। तो निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, कुछ पेंट ब्रांड है, ये हो गया जी पेंट, कुछ पेंट ब्रांड है, तो डायग्राम ही अलग है, पेंट ब्रांड का जो सर्कल है वो अलग है, तो ये गलत हो गया। कुछ इरेजर बोतलें हैं, ये इरेजर है, ये बोतलें हैं, इनका भी जो सर्कल अलग अलग है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ इरेजर ब्रांड है, कुछ इरेजर, ये इरेजर है, ये ब्रांड के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, कुछ इरेजर जो ब्रांड है ये सही हो जाएगा। कुछ बोतलें कलर है, बोतलें ये रही सर्कल और कलर का ये रहा, तो इनका नहीं है आपस में कोई संबंध, तो ये गलत हो गया। तो आंसर आएगा निष्कर्ष तीन है जो वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कथन दिया हुआ है सभी फल फूल हैं, ये हो गया जी फल, सभी जो फल है वो फूल है, सभी फल को फूल बना दिया, कोई फूल मिठाई नहीं है। अब ये ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, कोई फूल मिठाई नहीं है, अब इसका जो डायग्राम है मिठाई का वो अलग बनेगा, कोई फूल है जो वो मिठाई नहीं है, लो जी कोई फूल मिठाई नहीं है। अब कह रहा है कुछ मिठाइयां रेगिस्तान है, कुछ मिठाइयां रेगिस्तान है, कुछ मिठाइयां रेगिस्तान है। अब जैसे मैंने आपको ए और बी का उदाहरण दिया था कि संभावना प्रकट की जा सकती है, ये वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें ये पहला डायग्राम बनता है, अब इसका दूसरा डायग्राम एक और बन सकता है, इसका करने का और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दूसरा जो डायग्राम बन सकता है वो किस तरीके से बन सकता है, जैसे ये फल हो गए, सभी फल जो है वो फूल हो गए, सभी फल फूल हो गए। अब कह रहा है कोई फूल मिठाई नहीं है, तो लो जी ये हो गया मिठाई, कोई फूल
मिठाई नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और कुछ मिठाइयां रेगिस्तान है, अब कुछ मिठाइयां बोलना है रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान का संबंध फूल और फल से है या नहीं है, अब उसमें नहीं किया तो इसमें कर देते हैं, तो संभावना जो एक ये बनती है रेगिस्तान की, ये रेगिस्तान बन गया। अब रेगिस्तान अगर इस तरीके से बनते हैं तो इसकी ये मात्र संभावना है, ये जो वो डायग्राम फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड संभावना वाला डायग्राम है, तो संभावना बनती है रेगिस्तान की कि ये हो भी सकता है फल और फूल, और इसमें वो नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, अगर हो सकता है तो कुछ रेगिस्तान फूल है, कुछ रेगिस्तान फूल है, ये अनुसरण नहीं करेगा। अब कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, तो ये करता है। लेकिन इसमें संभावना वाला आप डायग्राम देखिए, संभावना वाले डायग्राम में कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, तो इसमें तो कोई रेगिस्तान फूल बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा है, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसमें क्या है, अब जैसे एक तो इसमें यही कहा जा सकता है, अगर मैं आंसर की बात करूं कि या तो इसके हिसाब से देखें या इसके हिसाब से देखें, तो या तो जो जो निष्कर्ष एक है वो अनुसरण करेगा या निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, दोनों में से एक निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेगा, दोनों नहीं कर सकते, दोनों सही नहीं हो सकते। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि सबसे पहले ध्यान से निष्कर्ष को देखना है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ रेगिस्तान फूल है, तो दूसरी तरफ वो कह रहा है कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, एक तरफ तो कह रहा है कुछ रेगिस्तान फूल है, दूसरी तरफ कह रहा है कोई रेगिस्तान फूल नहीं। भाई या तो फूल है या नहीं है, कुछ का क्या मतलब हुआ कि या तो फूल है, कुछ रेगिस्तान फूल है, कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, इसका तो कोई आंसर नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं हुआ। तो इसका यही, या तो ये सही हो सकता है कि या तो कुछ रेगिस्तान फूल है या फिर नहीं है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, दोनों में से एक सही हो सकता है, तो कौन सा सही है वो हमें पता नहीं। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो दिया होगा कि आंसर का वो होगा या तो निष्कर्ष एक और या निष्कर्ष दो वो है अनुसरण करता है, तो ये चीज इसका इसमें जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कथन दिया हुआ है, सभी बक्सों में पुस्तकें, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे सभी बक्सों में पुस्तकें हैं, इसमें जो कथन है स्टेटमेंट है वो उल्टा थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें ज्यादातर कैसे बनेंगे, इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा उल्टा जल्दी से अपने देख लेते हैं, उल्टा बन जाता है। जैसे कि ये बक्से हो गए, सभी बक्सों में पुस्तकें हैं, इस तरीके से बनाएंगे जल्दी में जल्दबाजी में, लेकिन अगर ध्यान से बनेंगे तो जो डायग्राम है वो दूसरे तरीके से बनेगा। जैसे उसने बोला है सभी बक्सों में पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें पहले बनेंगी, पुस्तकें ये होगी पुस्तकें। अब सभी बक्सों में पुस्तकें हैं, तो बक्से बाहर बनेगा, क्योंकि सभी बक्सों में पुस्तकें हैं तो बक्से बाहर हो गया। अब कुछ बक्सों में नोटबुक भी है, कुछ बक्सों में, तो कुछ काट लेंगे, ये हो गया नोटबुक, ये हो गया कुछ बक्सों में नोटबुक हो गई है। अब कुछ अन्य में लिखने वाले पैड भी है, कुछ अन्य मतलब किसकी बात कर रहा है, बक्सों की बात ही कर रहा है, कुछ अन्य बक्सों में, तो कुछ अन्य में लिखने वाले पैड भी है, ये लो जी ये बक्से में पैड बना दिए, लिखने वाले पैड हो गए। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ बक्सों में केवल लिखने वाले पैड हैं, कुछ बक्से में केवल लिखने वाले तो नहीं है, पुस्तकें भी है इसमें, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। अब दूसरा है वो सभी बक्सों में नोटबुक है, सभी बक्सों में, ये सभी बक्से हैं, सभी बक्सों में नोटबुक है, सभी बक्सों में नोटबुक नहीं है, कुछ में है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कुछ बक्सों में नोटबुक तथा पुस्तकें हैं, कुछ बक्से में नोटबुक तथा पुस्तकें हैं, ये सही हो जाएगा जी,
ये सही हो जाए। कुछ बक्से में नोटबुक और पुस्तकें हैं, कुछ बक्सों में नोटबुक लिखने के पैड तथा पुस्तकें हैं, कुछ बक्सों में नोटबुक आ गई, लिखने वाले पैड आ गए और पुस्तकें तीनों आ गई, तो ये भी सही होगा। तो आंसर इसका आएगा अनुसरण निष्कर्ष जो अनुसरण दो तीन व चार जो अनुसरण करते हैं, ये इसका जो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी बेंच मेज हैं, ये बन गया जी बेंच, सभी बेंच है जो वो मेज हो गया, सभी बेंच मेज है, कोई कुर्सी मेज नहीं है। अब इसमें जो वो कुर्सी को अलग बना दिया, कोई कुर्सी जो है मेज नहीं है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, सभी बेंच कुर्सियां हैं, सभी जो बेंच है वो कुर्सियां हैं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। सभी मेज बेंचे हैं, सभी मेज ये मेज हो गया, सभी मेज तो बेंचे नहीं है, कुछ मेज जरूर बेंचे हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा कोई मेज बेंच नहीं है, कोई जो मेज है वो बेंच नहीं है, लेकिन मेज तो बेंच है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कोई बेंच कुर्सी नहीं है, कोई जो बेंच है वो कुर्सी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ये सही हो जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा जो निष्कर्ष है वो चार अनुसरण करता है, निष्कर्ष चार अनुसरण करता है। तो ये थे सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे स्टडी टू एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।